नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नशे की हालत में विवाद, रीवा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर पत्थर से हमला, बसपा का प्रचार करने पर बुआ के लड़के ने मारा। रीवा जिले के पनवार थाना के अंतर्गत एक बसपा समर्थक को विधानसभा उम्मीदवार का प्रचार करना महंगा पड़ गया। हमले में बसपा नेता घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य अपने रिश्तेदारी में गए थे, वह इन दिनों सिरमौर से बसपा प्रत्याशी वीडी पांडे का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सोमवार की शाम पलहर गांव में बुआ के लड़कों से मिले और खूब दोनों के बीच बातचीत हुई। रात होते ही पार्टी का दौर चला। मामा के लड़के और बुआ के लड़कों ने नशा किया, किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हो गई। दोनों एक दूसरे को मारने लगे, इतने में नेताजी दौड़ लगा दिए। तभी बुआ के लड़के ने पत्थर मार दिया, जिससे सिर से रक्त बहने लगा। डर के मारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य पनवार थाने पहुंचे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर नेताजी को जवा CHC उपचार कराने भेजा है। पनवार थाना प्रभारी उपनिरीक्षक RS बागरी ने बताया कि सोमवार की शाम 7 बजे पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं बसपा नेता जोकूलाल आदिवासी 56 वर्ष निवासी हरिजन पूर्वा कल्याणपुर के ऊपर हमला हुआ है। उनको अच्छेलाल कोल पुत्र झल्ला कोल निवासी पलहर ने पत्थर मार दिया था। शिकायत के बाद IPC की धारा 294, 323 और 506 का प्रकरण कायम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।